Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉलम क्रोमैटोग्राफी किसे कहते हैं, इसका क्या प्रिंसिपल होता है और लैब में इसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि कॉलम क्रोमैटोग्राफी किसे कहते हैं। क्रोमैटोग्राफी एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक को कहते हैं। मिक्सचर से इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स के आइसोलेशन के लिए क्रोमैटोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। कॉलम क्रोमैटोग्राफी के केस में जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है वो कॉलम की हेल्प से किया जाता है, तो इसलिए इस तरह की क्रोमैटोग्राफी जहाँ पर कॉलम यूज़ किया जाता है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में, उसको कॉलम क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। कॉलम एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लास का या प्लास्टिक का बना हो सकता है। किसी भी क्रोमैटोग्राफी के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। कॉलम क्रोमैटोग्राफी के केस में स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है और मोबाइल फेज लिक्विड होता है। इसके अलावा एक सैंपल जिसको प्यूरिफाई करना चाहते हैं और कॉलम जहां पर ये पूरा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है। कॉलम क्रोमैटोग्राफी को मैन्युअली भी परफॉर्म किया जा सकता है या फिर इसको ऑटोमेटिक रन भी कर सकते हैं। मैन्युअली किस तरह से कॉलम क्रोमैटोग्राफी परफॉर्म करते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऑटोमेटिक रन के लिए एक मशीन रिक्वायर्ड होती है जिसको कहते हैं एक्टर सिस्टम। एक्टर सिस्टम की हेल्प से कमांड्स दिए जाते हैं और पूरा कॉलम क्रोमैटोग्राफी पर जो प्यूरिफिकेशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह से कॉलम क्रोमैटोग्राफी परफॉर्म की जाती है। कॉलम क्रोमैटोग्राफी परफॉर्म करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है स्टेशनरी फेस का सिलेक्शन। स्टेशनरी फेस का सिलेक्शन सैंपल के बेसिस पर किया जाता है कि किस बेसिस पर सैंपल को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, साइज के बेसिस पर, चार्ज के बेसिस पर या पोलैरिटी के बेसिस पर। देन उसके बाद ही स्टेशनरी फेस चूज किया जाता है। जब स्टेशनरी फेस सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम एज एग्जांपल सिलिका ले लेते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम मोस्ट कॉमनली यूज स्टेशनरी फेस हैं कॉलम क्रोमैटोग्राफी में। जब स्टेशनरी फेस सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कॉलम को पैक करना। कॉलम की पैकिंग का मतलब कॉलम में जो भी हमने स्टेशनरी फेस चूज किया है उसको कॉलम में पैक करना। तो यहाँ पर क्योंकि क्या होता है, कॉलम बोथ साइड से, दोनों साइड से ओपन होता है। अगर सिलिका को डायरेक्ट कॉलम में डाला जाए, सिलिका क्योंकि पाउडर फॉर्म होती है, सिलिका को अगर डायरेक्ट कॉलम में डाला जाएगा तो कॉलम से बॉटम साइड से सिलिका बाहर आ जाएगी। इस वजह से कॉलम की पैकिंग से पहले कॉलम को रेडी किया जाता है, उसके बाद ही सिलिका को कॉलम में डाला जाता है। कॉलम को रेडी करने के लिए कॉलम की जो बॉटम साइड होती है वहाँ पर एक कॉटन का प्लग यूज़ किया जाता है। कॉटन का प्लग एक प्रॉपर अमाउंट, कॉटन एक प्रॉपर अमाउंट में ली जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कॉटन लेंगे तो जो भी हम सैंपल या फिर सॉल्वेंट सॉल्यूशन कॉलम में लोड करेंगे वो इजीली पास नहीं हो पाएगा कॉलम से। और अगर बहुत कम अमाउंट में कॉटन यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा पास होगा वो कॉलम से, इसलिए एक प्रॉपर अमाउंट यूज़ किया जाता है कॉटन का। देन कॉटन के बाद अप्लाई की जाती है कॉलम का जो कर्वी पार्ट है, यहाँ तक अप्लाई यूज़ की जाती है सैंड। ये जो सैंड होती है ये एसिड वॉश्ड सैंड होती है जो कि मार्केट से परचेज की जाती है। यहाँ पर सैंड जो कॉलम का कर्व वाला पार्ट होता है वहीं तक अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद जो भी स्टेशनरी फेज हमने चूज़ किया होता है उसको अब डाला जाता है कॉलम के अंदर। स्टेशनरी फेज यहाँ पर डालने के दो तरीके हो सकते हैं, ड्राई पैकिंग बोलते हैं, वेट पैकिंग बोलते हैं, ड्राई मेथड या वेट मेथड। ड्राई मेथड में क्या होता है, क्योंकि सिलिका एक पाउडर फॉर्म में होती है तो पाउडर को पहले फिल करेंगे, देन उसके बाद जिसको भी हम कोई सॉल्वेंट सॉल्यूशन जिसको एज अ मोबाइल फेज यूज़ करने वाले हैं ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन, वो सॉल्वेंट सॉल्यूशन कॉलम में डाला जाता है। मींस पहले ड्राई पाउडर सिलिका का डाला गया, देन उसके बाद सॉल्वेंट रन किया गया ऊपर से, तो इस तरह की पैकिंग को बोलते हैं ड्राई पैकिंग, ड्राई मेथड। वेट पैकिंग में क्या रहता है कि सिलिका और सॉल्वेंट सॉल्यूशन को अलग से कुछ टाइम के लिए, दोनों को मिक्स करके कुछ टाइम के लिए अलग से रख दिया जाता है। उसके बाद सिलिका और सॉल्वेंट की एक स्लरी फॉर्म होती है, देन उस स्लरी को कॉलम में डाल दिया जाता है। देन उस इस तरह की पैकिंग को बोलते हैं वेट पैकिंग। ज़्यादा कॉमनली वेट पैकिंग यूज़ की जाती है क्योंकि वेट पैकिंग में जो लिक्विड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो थोड़ा कम अमाउंट में यूज़ होता है।
कॉलम में जब वो मटेरियल फिल कर दिया जाता है, मटेरियल फिल करने के बाद इसको थोड़ा हैंड पंप की हेल्प से प्रेस करते हैं, जिस वजह से सिलिका सेटल डाउन हो जाती है। एंड देन उसके ऊपर से अगेन एक सैंड की पतली लेयर अप्लाई की जाती है। ये जो सैंड होती है, सैंड इनर्ट मटेरियल रहती है। इनर्ट मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी सैंपल हम लोड करेंगे, ना तो वो उसके साथ रिएक्ट करता है, ना ही वो सिलिका के पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करती है। बॉटम पर भी सैंड इसलिए अप्लाई की जाती है ताकि जो स्टेशनरी फेज फॉर्म हुआ, ये जो स्टेशनरी फेज है, ये यूनिफॉर्म स्टेशनरी फेज फॉर्म हो, जिस वजह से बॉटम पर भी सैंड अप्लाई की जाती है। ऊपर की तरफ जो सैंड अप्लाई की जाती है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सैंपल का, सैंपल की लोडिंग के टाइम पर, और सिलिका की लेयर में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसका पर्पस ये रहता है जो टॉप पर सैंड रहती है। ये कॉलम प्रॉपरली, इस तरह के कॉलम को पैक्ड कॉलम कहते हैं। पैकिंग के टाइम पर इंश्योर किया जाता है कि कॉलम में कोई बबल नहीं होना चाहिए और कॉलम में जो सिलिका फिल की है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिलिका ड्राई होगी तो क्रैक फॉर्म हो सकते हैं, और अगर क्रैक हुए या फिर कॉलम में बबल्स हुए तो फिर प्यूरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं होता है। तो ये मेक श्योर किया जाता है कि कोई बबल ना हो और सिलिका ड्राई नहीं रहनी चाहिए, सॉल्वेंट सॉल्यूशन टॉप तक फिल रहना चाहिए कॉलम में। सेकेंड स्टेप होता है मोबाइल फेज का सिलेक्शन। मोबाइल फेज सिंगल सॉल्वेंट सॉल्यूशन को भी एज अ मोबाइल फेज यूज़ कर सकते हैं, या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन को भी एज अ मोबाइल फेज यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फेज सेलेक्ट किया जाता है स्टेशनरी फेज के बेसिस पर। सपोज अगर एज एग्जाम्पल हम सिलिका लेकर चल रहे हैं, इस केस में सिलिका पोलर स्टेशनरी फेज है, तो पोलर स्टेशनरी फेज होने की वजह से मोबाइल फेज इस तरह का चूज़ किया जाएगा जो लेस पोलर हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के साथ बॉन्ड फॉर्म करे और कॉलम से मूव ही ना हो पाए या बहुत स्लो मूव हो। तो इस वजह से मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के ऑपोजिट नेचर का चूज किया जाता है। सिलिका पोलर है तो मोबाइल फेज ऐसा चूज करते हैं जो लेस पोलर हो। देन मोबाइल फेज के सिलेक्शन के बाद कॉलम रेडी है, कॉलम प्रॉपरली पैक्ड है, एंड देन मोबाइल फेज भी सिलेक्टेड है कि जिसको हम एज अ मोबाइल फेज यूज करना चाहते हैं। उसके बाद प्यूरिफिकेशन परफॉर्म किया जाता है। अब देखते हैं कि किस तरह से सैंपल अप्लाई करते हैं और कॉलम में क्या होता है, प्यूरिफिकेशन किस तरह से होता है। प्यूरिफिकेशन परफॉर्म करने के लिए सैंपल जिसको हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं, सैंपल को पैक्ड कॉलम के ऊपर रन किया जाता है। सैंपल को स्लोली स्लोली कॉलम के साइड से कॉलम पर लोड किया जाता है। उसके बाद उस पर सॉल्वेंट सॉल्यूशन लोड करते हैं। सैंपल लोड होने के बाद सॉल्वेंट सॉल्यूशन लोड किया जाता है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसको एज अ सॉल्वेंट सॉल्यूशन यूज़ किया जा सकता है। सैंपल के वो मॉलिक्यूल्स जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि सिलिका सेम नेचर की होती है पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो सैंपल के वो मॉलिक्यूल जो पोलर होते हैं वो कॉलम में बहुत स्लो स्पीड के साथ मूव करते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जो लेस पोलर होते हैं वो फास्ट मूवमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं वो लेस पोलर होता है, और सॉल्वेंट अगर लेस पोलर होगा तो वो लेस पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स होकर कॉलम में फास्ट मूवमेंट शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर कॉलम में जो बॉटम पर टैप होती है उसको ऑन कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, जिस वजह से ये जो जैसे जैसे कॉलम के नीचे आते हैं उनको कलेक्ट करने लगते हैं। तो इस तरह से अलग अलग फ्रैक्शंस कलेक्ट कर लिए जाते हैं। यहाँ पर इल्यूशन दो तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। एक होता है आइसोक्रेटिक इल्यूशन, एक होता है ग्रेडियंट इल्यूशन। आइसोक्रेटिक इल्यूशन का मतलब है कि जब सैंपल को लोड किया उस टाइम पर भी, और जैसे सैंपल इल्यूट हो रहा है उस टाइम पर भी सिंगल सॉल्वेंट सॉल्यूशन यूज़ किया गया। मीन्स सैंपल को लोड करने के बाद सिंगल सॉल्वेंट को ही कॉलम पर रन करते रहे, तो इस तरह के इल्यूशन को बोलते हैं आइसोक्रेटिक इल्यूशन। सिंपल सैंपल्स जो होते हैं उसके केस में आइसोक्रेटिक इल्यूशन किया जा सकता है, लेकिन अगर सैंपल कॉम्प्लेक्स है, मीन्स बहुत ज़्यादा पोलर सैंपल है, सैंपल के कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पोलर हैं, तो उस केस में पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर सिलिका के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं, मीन्स वो सिंगल सॉल्वेंट के साथ इल्यूट नहीं होते, तो ऐसे केस में ग्रेडियंट इल्यूशन यूज़ किया जाता है। ग्रेडियंट इल्यूशन का मतलब है कि इनिशियल फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सॉल्वेंट लेस पोलर सॉल्वेंट यूज किया जाता है, जिस वजह से सैंपल के लेस पोलर मॉलिक्यूल्स कॉलम से फास्ट मूव होते हैं,
और पोलर मॉलिक्यूल जो कॉलम में मूव ही नहीं हो रहे हैं, सिलिका के साथ बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं, उनके इल्यूशन के लिए सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया जाता है या फिर सॉल्वेंट को ही चेंज कर देते हैं। तो इस केस में जिस वजह से क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल जो सिलिका के साथ बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं उनका बॉन्ड ब्रेक होता है और वो कॉलम से इल्यूट हो जाते हैं और उस इल्यूशन को डिफरेंट डिफरेंट कलेक्टिंग ट्यूब में कलेक्ट कर लिया जाता है। वो इल्यूशन जिसमें सिंगल एक सॉल्वेंट सॉल्यूशन यूज़ किया गया, पूरी कॉलम में प्यूरिफिकेशन के लिए एक सॉल्वेंट सॉल्यूशन यूज़ किया गया, उसको बोलते हैं आइसोक्रेटिक इल्यूशन। और अगर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया गया, लेस पोलर से मोर पोलर किया गया या फिर सॉल्वेंट को ही चेंज किया गया, इनिशियली लेस पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया गया एंड देन पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया गया, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट इल्यूशन। उस तरह के इल्यूशन को ग्रेडियंट इल्यूशन कहते हैं। उसके बाद जो ये कलेक्टिंग ट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस फॉर्म हुए, डिफरेंट फ्रैक्शंस कलेक्ट किए, इन सभी फ्रैक्शन से थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लिया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है कि जो सैंपल यहाँ पर कलेक्ट किया उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं। अगर कोई केमिकल कंपाउंड है तो उसकी एनालिसिस TLC क्रोमैटोग्राफी के थ्रू की जाती है। अगर कोई न्यूक्लिक एसिड प्योरीफाई किया है तो उसको जेल रन करके प्योरीफाई किया जा सकता है, जेल रन करके फाइंड किया जा सकता है। आई होप यहाँ मैं आपको क्लियर रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूजन हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।